मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दलों के उम्मीदवारों का जनसंपर्क लगातार जारी है। वहीं रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रामपाल सिंह राजपूत ने सघन जनसंपर्क भी किया है। इस दौरान रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि मैं चुनाव में नहीं बल्कि पिछले 15 वर्षों से जनता के बीच में हूँ, इसीलिए मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। आप जैसे महान लोगों के महान कार्यकर्ताओं के बलपूर्वक परिश्रम से जो संघर्ष किया है, बुरे वक्त पर जब पूरे देश में कांग्रेस की हवा थी, सिलवानी से लेकर भोपाल दिल्ली तक कांग्रेस की हवा थी, उस जमाने में यहां से मुझे संरक्षण दिया आपने, आशीर्वाद दिया मुझे भी दिया। यहाँ मंच में हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको संबोधित किया, आपके सरपंच महोदय, पूर्व सरपंच जी कैलाश जी, जिला पंचायत सदस्य राकेश जी, महेश जी जूना, हमारे सभी आदिवासी बस नेता, मार्गदर्शक, शील के सरपंच साहब, पप्पू भैया, मंडल अध्यक्ष जी, राठौर जी, केशव जी, सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, मंडल अध्यक्ष जी ने सबके नाम लिए, लेकिन नाम बड़े लोग सामने बैठे हुए बुजुर्ग है, राज सम्मानी राज प्रताप सिंह जी का भाजपा के पक्ष में रहेगा पूरा। तो इसके कितने गांव लगभग इस पूरे क्षेत्र में है? 33-40 गांव बीजेपी पक्ष में। हमारे सम्मानीय आदरणीय सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी के साथ हमेशा साथ देते आ रहे हैं। सन 1990 से निरंतर हम उनके साथ हैं और हमारी समाज पूरी साथ है और साथ रहेगी, ऐसा हमारा कहना है और मानना है। तो काला पानी कहा जाता था, इसको हम विकास का टापू बनाने का काम हमने किया, सड़कों का निर्माण, पेयजल योजना, सरकार की कल्याणकारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू हुई, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वन भूमि के लगभग 7,000 पट्टे हैं, पेयजल योजना भी स्वीकृत हो गई, सिंचाई योजना, उससे क्षेत्र के लोगों को काफी खुशी की लहर है और खुशी का परिणाम है कि जिनके लिए हम लोगों ने सेवा की है और उनका विश्वास अर्जित किया, आज हमारे लिए वो